युवान बड़ा फैसला लेने पर मजबूर। जैनी के बहकावे में आकर क्या युवान कर देंगे खुद को बच्चों से दूर। दरअसल बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज युवान ने एक बड़ा फैसला लिया है कि वो बच्चों की जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान को देंगे जो उन्हें अच्छा भविष्य दे सके। बस इसी के चलते आज युवान से मिलने आए हैं ये शख्स अपनी वाइफ के साथ। बच्चे तो होते ही शैतान है ना, मुझे तंग करने के लिए इधर छुपे होंगे, बस आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक हम बातचीत कर लेते हैं। इस लिस्ट में बच्चों की पसंद नापसंद दोनों लिखे हैं। युवान एक एक कर बच्चों के बारे में बताना शुरू करते हैं और युवान की हर बात में उनके दिल की तकलीफ और दर्द साफ साफ झलकता नजर आया। सबसे बढ़िया गुनगुन, बहुत समझदार है और सारे घर की नानी माँ, बस ज्ञान बांटने की आदत है उसे और जोक सुनना बहुत पसंद है, हंसती है एकदम बेफिक्र होके, लेकिन छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती है कभी कभी, तो अगर कभी कोई गलती करे तो प्लीज प्यार से समझाइएगा, समझ जाएगी, क्योंकि अगर आप गुस्से से डांटेंगे तो बात नहीं मानेगी। और बीच वाला है उल्लू, बचपन से थोड़ा गुस्से वाला है, तो जब भी उसे गुस्सा आए तो एकदम ठंडा पानी पिला देना, शांत हो जाएगा। यूं धोनी युवान के दिल के सबसे ज्यादा करीब है और जब बारी आई धोनी के बारे में बताने की तो युवान थोड़े इमोशनल भी हो गए। सबसे छोटा धोनी, इस छोटे पैकेट की मुझे सबसे ज्यादा याद है। इस बच्चे का दिल इतना नेक है ना कि आपको कभी कोई परेशानी हो ना, बस धोनी से थोड़ी देर बातचीत कर लेना, आपकी आपकी रूह हंस उठेगी। और इसे जलेबी बहुत पसंद है, चॉकलेट्स, मीठा, पर ज्यादा मत दीजिएगा मीठा, वो दांत सड़ जाएंगे इसके। आपको बता दें कि युवान भी बच्चों से दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैनी की चालाकियों को अभी युवान समझ नहीं पा रहे हैं। युवान को लगता है कि अगर बच्चे उनके साथ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। है, तीनों बच्चे बहुत प्यारे और होशियार, अगर कहीं मेरे पास रहे तो शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जितनी इनकी काबिलियत है, करते करते कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूं, शायद खुश नहीं रख पाता मैं। चलिए अब सीधा चलते हैं जैनी के पास और जानते हैं अपने सवालों के जवाब। तो जैनी, ये कहना गलत नहीं होगा कि युवान के इस फैसले के पीछे आपका दिमाग है? तो जिनी जो है उसने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया है युवान के साथ, और जो उसका फ्यूचर प्लान है उस प्लान में ये जो बच्चे हैं वो कहीं फिट नहीं होते हैं। तो आज ये लोग आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, और जिनी का ये सोचना है कि वो माँ का प्यार तो नहीं दे सकता युवान उन बच्चों को, एंड शी इज ट्राइंग टू जस्ट पुश देम ऑफ उन पेरेंट्स के साथ। और युवान और बच्चे और अमृत, इनफैक्ट उनकी मदर बेला जी, सब लोग दुखी हैं क्योंकि बच्चों के साथ उनका एक कनेक्शन हो गया था और आज जो है उनको विदा करना पड़ रहा है। बच्चों को दूर भेजने का फैसला तो कर लिया है लेकिन युवान बेहद इमोशनल हो गए हैं, क्यों? सही कहा ना हमने जैनी? जैनी की साजिशों को समझकर क्या युवान बच्चों को दूर जाने से रोक पाएंगे? वेल, यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, जिसकी अपडेट यू मी और टीवी आपको देता रहेगा। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।